हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग जानते हैं टैली में भाउचर टाइप के बारे में। भाउचर टाइप एक्चुअली में होता क्या है? तो भाउचर टाइप एक आपका भाउचर है टैली का, जिसमें हम लोग चेक के थ्रू पेमेंट और चेक के थ्रू रिसीप्ट करते हैं। अगर आप कहीं पे भी बिजनेस में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ लेन देन हमेशा होते रहता है। तो अगर चेक के थ्रू आपको पैसा पेमेंट करना हो या चेक के थ्रू पैसा आपको रिसिप्ट करना हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ताकि एंट्री मेरा जल्दी खोजे तो मिल भी जाए, अलग अलग तरीके से एंट्री हो जाए, तो इसके लिए हम लोग भाउचर टाइप ऑप्शंस यूज करते हैं। भाउचर टाइप जो है चेक के थ्रू पैसा लेने और चेक के थ्रू पैसा देने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देखिएगा आप लोग, सैलरी पेड बाय चेक। यहाँ पे जो आपका एग्जांपल है एक सैलरी पेड बाय चेक, तो इस क्वेश्चन को अगर हमें बनाना है तो यहाँ पे देखिएगा, जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वह बाई चेक के थ्रू कर रहे हैं, यानी 500 रुपया तो मैंने पेमेंट किया, लेकिन किसके थ्रू किया? चेक के थ्रू। तो यहाँ पे एक सैलरी पेड कर रहे हैं हम लोग, जो चेक के थ्रू 5000 कर रहे हैं, तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे टैली में? एक क्वेश्चन और देखिएगा, एग्जाम्पल लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसिप्ट बाई चेक 6000। अब यहाँ पे देखिए, पैसा हम रिसिप्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन चेक के थ्रू पैसा रिसिप्ट कर रहे हैं, तो इसका एंट्री हम लोग कहाँ पे करेंगे? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फटाफट देखते हैं कि भाउचर हम लोग कैसे बनाते हैं और ये चेक के थ्रू पैसा पेमेंट और चेक के थ्रू पैसा रिसिप्ट कैसे किया जाता है टैली में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग भाउचर में आ जाते हैं, ठीक है, गेटवे ऑफ टैली में। तो सबसे फर्स्ट टाइम आप अपने कंपनी बना लीजिएगा, जब कंपनी बनाइएगा तो आप ऑलरेडी गेटवे ऑफ टैली में ही रहिएगा। तो यहाँ से गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन पे ये होम पेज होता है टैली का, तो यहाँ से आपको गेटवे ऑफ टैली ही मिलेगा। इसमें से हम लोगों को फर्स्ट टाइम क्या क्या काम करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, यहाँ से अकाउंट्स इन्फो का पहले काम करना है हम लोगों को, जिसमें लेजर और भाउचर टाइप बनाना है, दो काम यहाँ से करना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अकाउंटिंग भाउचर में जाना है और पेमेंट करना है और रिसिप्ट करना है अकाउंटिंग भाउचर में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का जो फर्स्ट काम है वो काम है क्या, यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो का। तो अकाउंट्स इन्फो पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक करेंगे वैसे ही मेरे पास एक बॉक्स आएगा यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो का, जिसमें अकाउंट्स इन्फो ओपन होता हुआ दिख रहा है, जिसमें ग्रुप है, एक लेज़र है, एक भाउचर टाइप है, तीन ऑप्शन खुला हुआ है। तो ग्रुप का भी मुझे कोई काम नहीं है, एक लेज़र का मुझे काम है यहाँ भाउचर टाइप के लिए, और एक यहाँ पे हमें एक भाउचर टाइप का काम है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेज़र का काम करते हैं फर्स्ट काम, उसके बाद दूसरा काम जो है हम लोग भाउचर टाइप का करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट वर्क हम लोग लेज़र पे क्लिक करेंगे। लेज़र पे जैसे ही क्लिक करते हैं एक छोटा सा बॉक्स फिर से आता है, तो यहाँ पे लिखा होता है लेजर क्रिएशन, यानी लेजर्स के लिए लेजर क्रिएशन, यानी सिंगल लेजर हम लोग बनाएंगे और एक मल्टीपल लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे लेजर में तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं दोनों में, यानी एक प्रकार का ये है मल्टीपल और एक प्रकार का ये है सिंगल। तो सिंगल में बस वन बाई वन करके हम लोग लेजर में बनाते हैं, और मल्टीपल बहुत सारे लेजर मल्टीपल बना सकते हैं, बस अंतर सिर्फ यही है, आपको जो मन करे उसमें बनाइए, इसमें बनाइए या फिर इसमें बनाइए। तो यहाँ से हम लोग सिंगल लेजर में क्रिएट करेंगे तो लेजर बनेगा, डिस्प्ले करेंगे तो लेज़र हम देख पाएंगे, और अल्टर करेंगे तो अगर कोई लेज़र आपसे गलत बन जाता है, कोई चेंज करना है तो आप अल्टर करके वहां से कर सकते हैं। तो हमें नया लेज़र बनाना है, तो हम लोग यहां से क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। हमें यहां पे तीन लेज़र बनाने होंगे वो दोनों क्वेश्चन के लिए। एक लेज़र बनाना होगा बैंक का, ठीक है, और एक लेज़र बनाना होगा हम लोगों को सैलरी का, और एक लेज़र बनाना होगा इंटरेस्ट रिसिप्ट का। तो चलिए हम लोग यहां से फटाफट क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्रिएट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक लेज़र क्रिएशन का यहाँ पे बॉक्स आएगा, आप यहाँ पे देखिएगा लेज़र क्रिएशन लिखा होगा, तो इसमें हमें लेज़र लिखना है जिस नाम से बनाएंगे। जैसे बैंक का बनाना है तो हमें यहाँ पे बैंक टाइप करना होगा, अंडर कहाँ जाएगा तो अंडर यहाँ पे हमें डालना होगा। तो चलिए हम एक लेज़र बना लेते हैं। तो लेज़र बनाने के लिए फिर से हम वहाँ पर टाइप कर रहे हैं, जैसे पहला लेज़र हम सैलरी का ही बना रहे हैं, टाइप करेंगे SALARY सैलरी, जो कि अंडर जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस में, और फाइनली क्या कर लेंगे हम लोग, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में फिर जो दूसरा लेज़र हम बनाएंगे वह लेज़र होगा हम लोगों का बैंक का। तो चलिए दूसरा लेज़र मैंने बैंक का बनाया, जो अंडर कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट मैंने यहाँ पे डाल लिया और यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद अगला लेज़र जो बनाएंगे वो होगा इंटरेस्ट रिसिप्ट का। मैंने बोला था कि तीन लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी वो क्वेश्चंस बनाने के लिए मुझे, तो यहाँ से मैंने एक इंटरेस्ट रिसिप्ट का लेज़र बनाया, जो अंडर जाता है इनडायरेक्ट इनकम। इंटरेस्ट लेज़र का इंटरेस्ट रिसिप्ट का बनाइएगा, अंडर इनडायरेक्ट इनकम डालिएगा, और फाइनली अब क्या कर लीजिएगा, यहाँ से इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जब आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो लेज़र का काम आपका हो जाएगा, और फिर से आप एस्केप प्रेस करके ESC कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो है की होता है कॉर्नर पे, यहाँ पे देखने का मिलेगा कॉर्नर पे सबसे ऊपर, एस्केप
करके हम लोग गेटवे ऑफ टैली में चले जाएंगे। अब गेटवे ऑफ टैली में चले गए तो यहाँ पे देखिएगा एक लेज़र का काम मेरा हो चुका है, ठीक है। फिर से मुझे अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन में ही जाना है भाउचर टाइप का वर्क करने के लिए, तो फिर इसी बटन पर मुझे क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ अकाउंट्स इन्फो का एक ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे हम लोगों का लेज़र का काम कम्प्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे भाउचर टाइप में, भाउचर टाइप का काम करेंगे। तो भाउचर टाइप का वर्क करने के लिए मैंने इस पर क्लिक किया भाउचर टाइप पे। अब यहाँ से देखिएगा एक भाउचर टाइप का बॉक्स खुल के आएगा, यहाँ पे देखिए भाउचर टाइप आ गया। अब यहाँ से तीन ऑप्शन इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे क्रिएट है, एक डिस्प्ले है और एक अल्टर है। क्वाइट का तो काम बाहर निकलना होता है, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो क्रिएट का मतलब होता है नया बनाना, डिस्प्ले यानी देखना, अगर आप देखना चाहते हैं कि कितने मैंने भाउचर टाइप बनाया तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अल्टर का मतलब होता है मॉडिफाई करना या फिर चेंज करना, अगर गलती हो जाता है तो आप इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। तो मुझे तो अभी क्रिएट की ज़रूरत है, मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया। क्रिएट बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो वैसे ही यहाँ पे भाउचर टाइप का भाउचर क्रिएशन के लिए एक मेरे पास बॉक्स खुल करके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक भाउचर बनाया बैंक पेमेंट का, जो कि अंडर जाएगा कहाँ पे, पेमेंट। यहाँ से बैंक पेमेंट बनाइएगा, अंडर डालिएगा कहाँ पे, बैंक पेमेंट में, और फाइनली क्या कीजिएगा, आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर से अगला भाउचर जो बनाएंगे हम लोग वो होगा हम लोग का बैंक रिसिप्ट का। नेक्स्ट भाउचर जो बनेगा वो होगा बैंक रिसिप्ट का, जो कि अंडर जाता है कहाँ पे, रिसिप्ट में। तो यहाँ से मैंने रिसिप्ट डाल लिया और फाइनली क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो बैंक रिसिप्ट का भी भाउचर हम लोग एक बना लिए। अब हम लोग जो अगला काम करेंगे वो फिर एस्केप प्रेस करेंगे, और एस्केप प्रेस करके फिर से हम लोग कहाँ चले जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में। यानी इसमें का ये अकाउंट्स इन्फो का काम है, इसमें फर्स्ट लेजर का काम और दूसरा भाउचर टाइप का काम, यानी दोनों काम मेरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे एंट्री करने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए अकाउंटिंग भाउचर यूज करते हैं। कोई भी एंट्री करना होता है तो हमें अकाउंटिंग भाउचर ही यूज़ करना होता है। चलिए तो अकाउंटिंग भाउचर पर हम यहाँ से क्लिक करेंगे और F5 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करेंगे। F5 जैसे ही प्रेस करेंगे वैसे ही आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें हमें एक बैंक पेमेंट दिखेगा और एक मुझे पेमेंट दिखेगा, सिंपल। अब ज़रा इसको हम लोग समझ लेते हैं इसमें क्या लोचा है। तो बैंक पेमेंट आपको मैंने बताया ना कि चेक पेमेंट करना होगा तो बैंक पेमेंट, और कैश पेमेंट करना होगा, मुझे चेक के थ्रू पेमेंट नहीं करना है, चेक कैश के थ्रू करना है, तो हम पेमेंट यूज़ करेंगे। लेकिन हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं वो भाउचर टाइप टॉपिक है, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं चेक के थ्रू पेमेंट करना, ठीक है। अगर कैश पेमेंट करना हो तो पिछला वीडियो मेरा देखिएगा, मैंने वहाँ पर बताया है कि हम लोग कैश के थ्रू कैसे पेमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर और आईटी सेक्टर से रिलेटेड जितने सारे भी क्वेश्चन, सवाल जवाब जो भी होंगे मेरे चैनल पर आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो ये मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से बैंक पेमेंट पे क्लिक कर लेंगे। बैंक पेमेंट पे क्लिक करेंगे वैसे ही मुझे एक बैंक पेमेंट का बॉक्स खुलकर मिल जाएगा। यहाँ से देखिए टैली में बैंक पेमेंट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है बैंक पेमेंट का वाउचर मेरा खुल गया है। यहाँ पे मेरा डेट तो मैंने पुराना डेट में ही वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे पुराना डेट ही डाल लेते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से पार्टिकुलर्स, तो पार्टिकुलर्स यहाँ से हम लोग डालेंगे। एक साइड में डेबिट दिख रहा है, क्रेडिट दिख रहा है, और यहाँ पे अमाउंट। तो चलिए मैंने डीआर में एंट्री किया सैलरी, क्योंकि सैलरी हम लोग पेमेंट करते हैं तो डेबिट में सैलरी ही जाता है, तो डेबिट में हम लोग क्या डालेंगे, सैलरी डालेंगे, ठीक है। और क्रेडिट में क्या डालेंगे, हम लोग चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट में क्या डालेंगे, बैंक डालेंगे। मैंने यहाँ 5000 यहाँ 5000 एंट्री डाला, नरेशन लिखा बींग सैलरी पेड, और फाइनली क्या कर लिया हम लोग, एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग अगर रिसिप्ट कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका जो है कि बन गया, जो क्वेश्चन था हम लोग सैलरी पेड बाई चेक। तो यहाँ से डीआर में सैलरी, सीआर में बैंक, और अमाउंट लिख करके फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, ये क्वेश्चन मेरा बन चुका। अब हम प्रेस करेंगे F6, ठीक है। F6 जैसे ही प्रेस करेंगे वैसे ही यहाँ भाउचर टाइप का फिर से मुझे बॉक्स आया। क्या प्रेस करना है आपको, F6 प्रेस करना है। F6 प्रेस कीजिएगा, भाउचर टाइप का बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ से फिर से हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, बैंक रिसिप्ट, बिकॉज हमको चेक के थ्रू रिसिप्ट करना है। तो बैंक रिसिप्ट यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे बैंक रिसिप्ट वैसे ही मुझे एक बैंक रिसिप्ट का बॉक्स मिलेगा। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आपका बैंक रिसिप्ट, यहाँ पे डेट शो कर रहा है जिस डेट को हम लोग वर्क कर रहे हैं, वो डेट शो कर रहा है, और यहाँ पे पार्टिकुलर शो कर रहा है, एक साइड डेबिट है और एक साइड क्रेडिट है। यहाँ पे सीआर सबसे पहले पूछ रहा है, तो चलिए सीआर में मैंने डाला इंटरेस्ट रिसिप्ट, बिकॉज इंटरेस्ट रिसिप्ट जो क्वेश्चन है उसका अगर जर्नल एंट्री कीजिएगा तो डीआर में आता है बैंक और सीआर में आता है कैश। तो पहले यहाँ सीआर पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या, डीआर में आता है आपका बैंक और सीआर में आएगा इंटरेस्ट रिसिप्ट। तो चलिए यहाँ पे मैंने सीआर में क्या डाल लिया, इंटरेस्ट रिसिप्ट डाल लिया। अब डीआर में क्या डाल लिया, यहाँ पे बैंक डाल लिया, अमाउंट मैंने यहाँ पे डाल लिया, और अमाउंट डालने के बाद एक नरेशन लिख लिया छोटा सा बींग इंटरेस्ट रिसिप्ट, और फाइनली क्या किया, इंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन मेरे बन गए, स्टेप बाय स्टेप देखें। अब हम लोग इसको चलिए यहाँ से खुल करके आ जाएगा टैली ERP 9 एस्केप से, हम लोग यहाँ से बैक चले जाएंगे।
बैग जाने के बाद हम लोग एक लेज़र बनाते हैं, सॉरी कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने के लिए यहाँ से क्रिएट बटन पे जाएंगे और किसी भी नाम से एक कंपनी ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ASP के नाम से हमने कंपनी एक ड्रॉ कर लिया, यहाँ से इंडिया और बिहार डाल लेते हैं और पासवर्ड वगैरह छोड़ देते हैं। फाइनली इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद मैंने पहले बताया था कि यहाँ से पहले हम लोग वर्क करेंगे अकाउंट्स इन्फो का, तो चलिए अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं। यहाँ से हम लोग लेज़र में जाते हैं और क्रिएट करते हैं, फटाफट लेज़र बनाते हैं। जैसे SALARY सैलरी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस इंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। फिर बनाया मैंने बैंक, जो कि अंडर जाएगा कहाँ पे, बैंक अकाउंट में, तो चलिए यहाँ से बैंक अकाउंट और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर लिए। तीसरा मैंने बना लिया यहाँ पे इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट जो कि अंडर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में और एक्सेप्ट कर लिए। सॉरी यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम मुझे डालना था, इनडायरेक्ट इनकम में, और फाइनली एक्सेप्ट कर लिए। चलिए तीन लेज़र मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बैग जाएंगे, लेज़र का काम मेरा कंप्लीट हो गया। फिर से अकाउंट्स इन्फो में ही जाना है और मुझे क्या बनाना है, भाउचर टाइप बनाना है। तो भाउचर टाइप बनाने के लिए यहाँ से भाउचर टाइप पर गए और यहाँ से क्रिएट बटन पर क्लिक किए, भाउचर टाइप बना लिए BAN के बैंक पेमेंट का, जो कि अंडर कहाँ चला जाएगा, पेमेंट में, और एक्सेप्ट कर लिया मैंने। एक बना लिया बैंक रिसिप्ट का, बैंक रिसिप्ट का अंडर चला जाएगा रिसिप्ट में, और यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। चलिए तो दोनों भाउचर मेरा यहाँ पे भी बन करके तैयार हो चुका है। अब हम पेमेंट करने के लिए बैग जाएंगे एस्केप से गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ से चले जाएंगे अकाउंटिंग भाउचर में। अकाउंटिंग भाउचर में जाने के बाद F5 प्रेस करेंगे, राइट, F5 प्रेस कीजिएगा तो ऐसा बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से मैंने बताया था आपको बैंक पेमेंट सेलेक्ट करना है, चलिए बैंक पेमेंट सेलेक्ट कर लिया। DR में सैलरी सेलेक्ट कर लिया, 5000 अमाउंट देना है तो 5000 डाल लिया। CR में बैंक डाल लिया, 5000 अमाउंट दे दिया और नरेशन यहाँ पर टाइप कर लिया बींग सैलरी पेड, ठीक है। बाई चेक भी आप लगा सकते हैं एज यू विश। आगे चलेंगे और फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मुझे F6 प्रेस करना था, तो F6 प्रेस किए तो यहाँ से फिर से मुझे बैंक रिसिप्ट सेलेक्ट करना था। यहाँ से बैंक रिसिप्ट मैंने सेलेक्ट किया और इंटर किया। अब चलिए सबसे पहले CR पूछ रहा था, CR में इंटरेस्ट रिसिप्ट डाल दिया मैंने, 6000 अमाउंट डालना था, 6000 डाल लिया। DR में बैंक डाल लिया, यहाँ से बैंक डाल लिया। नरेशन मैंने फिर से एक लिख लिया बींग इंटरेस्ट रिसिप्ट और फाइनली इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो भी चेक के थ्रू पेमेंट होता है और चेक के थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं या फिर चेक के थ्रू पेमेंट लेते हैं, उसका एंट्री भाउचर टाइप में करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आ जाए, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके।